हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर कुलबी कौर। टुडे वी डिस्कस बेसिक ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम डिस्कस क्या करेंगे, जस्ट, येट, स्टिल एंड ऑलरेडी का यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो फिलप्स के लिए, फिलप्स में आते हैं। ठीक है बच्चा, अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है, किसी के लिए, अगर एग्जाम के लिए जा रहे हो, क्लियर, या वैसे ही आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर आप स्पोकन के लिए जा रहे हो, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। फर्स्टली हुई, फर्स्टली जस्ट, जस्ट कहाँ यूज होता है? कहते जस्ट यूज विद द प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के या साथ यूज होता है। इट्स मीन अ शॉर्ट टाइम बिफोर, हम कहते हैं जस्ट कम, मैं अभी आ रहा हूँ। क्लियर? तो शॉर्ट टाइम के लिए ये यूज होता है। एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, आई हैव जस्ट सीन, मीन्स अभी अभी देखा है। आई हैव जस्ट सीन, सीन क्या हो गया मेरा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैव, हैव का हो गया मेरे पास, हमने क्या डिस्कस किया है कि परफेक्ट के साथ लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। आई हैव जस्ट सीन सुसैन कमिंग आउट ऑफ द सिनेमा, मैंने अभी अभी देखा कि सुसैन सिनेमा से बाहर आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? माही हैज जस्ट कॉल्ड, कैन यू रिंग हिम बैक प्लीज, हैव यू जस्ट टेकन माई पेन। क्लियर? तो ये जस्ट क्या है? शॉर्ट टाइम के लिए, अभी अभी जिसे हम बोलते हैं। क्लियर? जस्ट कम्स बिटवीन द एक्सिलरी वर्ब एंड द पास्ट पार्टिकल। ठीक है जी, तो ये जस्ट इसके लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, येट। येट बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के, काफ़ी एरर्स में आपको दिखेगा और फिलप्स में भी आता है। क्लियर? येट इज़ यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होता है। एट एनी टाइम अप टू नाउ, ठीक है, अभी तक बोल देते हैं येट नाउ। क्लियर? वी यूज़ इट टू एम्फेसाइज दैट वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन सून, येट इज़ ओनली यूज इन नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो येट है नेगेटिव और क्वेश्चन में ही यूज़ होता है, पॉजिटिव में नहीं यूज़ होता। अब आ रहा है, हैव यू फिनिश योर होमवर्क येट, हैव यू फिनिश्ड, हैव यू क्या आ गया मेरे को, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, योर होमवर्क येट। क्लियर? आई हैवंट फिनिश इट येट, मैंने अभी तक नहीं किया है। क्लियर? आई विल डू इट आफ्टर डिनर, ठीक है। एंड वेयर इज सैम, ही हैजंट अराइव्ड येट, वो कहाँ है, सैम कहाँ है, वो अभी तक नहीं आया। क्लियर? तो येट पहली बार नेगेटिव और क्वेश्चन में यूज होगा, प्लस प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। बच्चे काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी एरर, जैसे इसके साथ कुछ और लगाओ, कोई और टेंस आता है, तो वो एरर बन जाता है। क्लियर? तो काफ़ी बार एरर में भी येट का आता है, और प्लस फिलप्स में भी काफ़ी बार ये आता है। क्लियर? येट कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और द क्वेश्चन। क्लियर? आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे स्टिल, स्टिल इज यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट, मींस दैट समथिंग हैजंट हैपन, वी यूज इट टू एम्फेसाइज दैट वी एक्सपेक्टेड दैट थिंग टू हैपन अर्ली। स्टिल इज ओनली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, किस में यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। अब इसका यूसेज कैसे है, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, द बस स्टिल हैजंट कम, मैं एक घंटे से वेट कर रही हूँ, पर बस अभी तक नहीं आई। स्टिल नॉट कमिंग, स्टिल हैजंट नॉट, हैज नॉट कम, ठीक है। तो ये किसके साथ आएगा, नेगेटिव के साथ, ठीक है। दे प्रोमिस्ड मी दैट रिपोर्ट येस्टरडे, बट दे स्टिल हैवंट फिनिश्ड इट, बट उसने उसको ख़त्म नहीं किया। शी स्टिल हैजंट रिप्लाइड टू माई ई मेल, मे बी शी इज ऑन हॉलीडे। क्लियर? एंड स्टिल कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एक्सिलरी वर्ब। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट और एक्सिलरी वर्ब के बीच में आएगा। तो नेक्स्ट आ गया ऑलरेडी, ऑलरेडी का मीनिंग क्या रहेगा हमारा, ठीक है। तो ऑलरेडी का मीनिंग है ऑलरेडी यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट, तो सारे ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही यूज होंगे, बिफोर नाउ, ठीक है। वी यूज इट टू एम्फेसाइज दैट समथिंग हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स और अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है जी। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल कह रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट माई सैलरी, इट्स टू वीक बिफोर पे डे, तो मैं पहले ही अपनी सैलरी को खर्च कर चुका हूँ। क्लियर? I wanted, he wanted to see Sudan risk, but I have already seen it. मैं already देख चुका हूँ, already तो हम वैसे normally बहुत use करते हैं, ठीक है। The train is left already, train पहले ही निकल चुकी है। Clear? तो ये कहाँ use होती है, already can come between the auxiliary and the main verb, और at the end of the clause, तो ये end में भी आ सकता है। Clear? Already.
तो ये बीच में भी आ सकता है, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के साथ में भी आ सकता है, क्लियर। जैसे इसमें क्या क्या आया, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट ऑलरेडी, क्लियर, तो इसमें भी आ सकता है, तो एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के साथ भी ऑलरेडी आ सकता है, क्लियर। तो ये है हमारे चार मीनिंग, जिसका जस्ट, येट, स्टिल एंड ऑलरेडी, जो सारे ही प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में यूज़ होते हैं, और एक ये बेसिक चीज़ है बच्चा, आपको आनी चाहिए, क्लियर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिक्स हैं, अगर आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो आप नेक्स्ट तो लेवल अप करते तो कुछ बेसिक चीज़ें छूट जाती हैं, यार इसके साथ ऐसा क्यों आया, तो बेस अपना हमने अच्छा रखना है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट बीएससी वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, थैंक यू।